अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्केल। लेक्चर 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है वहीं से जहां से हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल मार्केट यूएई के लिए। ठीक है, हम वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती रहती है यार, तकरीबन एक डेढ़ घंटे के अंदर मैं ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको पता बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर भी। आधा घंटा कौन बोल सकता है इतनी स्पीड से, इतने फ्लो से, और साथ साथ काम भी करके आपको दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम हेडर के ऊपर इसको छोड़ा था, हेडर के ऊपर ही फोकस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं मिडल के ऊपर। अब यहाँ पे हेडर के ऊपर हमने लोगो वगैरह लगा दिया, लगा सकते हो। डेस्कटॉप के ऊपर आप देखना चाहो तो कैसे लगेगा इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नीचे। ठीक है, ऐड ब्लॉक वगैरह आप करना चाहो तो कोई और ब्लॉक ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वरना करने की जरूरत नहीं है। ऐड सेक्शन करना चाहो तो इनमें से कोई चीज़ ऐड कर सकते हो। ये दो चीज़ें दिखा रही है, अनाउंसमेंट बार ऐड करनी है या कस्टमर कोई अपने आपने कोई इसके ऊपर प्रोग्रामिंग के थ्रू राइटिंग जो आपको लैंग्वेज है उसके थ्रू आपने कोई कोड लिखना है तो लिख सकते हो। अब दूसरी चीज़ आ जाओ, मेन चीज़ इमेज बैनर। ठीक है, आपका फ्रंट स्टोर आपका बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। इमेज बैनर, या आगे इमेज बैनर, इसको कहते हैं बैनर। अभी मैं आपको सेक्शंस बताऊंगा आपने कैसे ऐड करना है। फर्स्ट इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, स्लाइड शो इसका ऑन है या ऑफ, अभी देख लेते हैं एंड में जाके। सबसे पहले आप तस्वीर लगा लो, क्या लगाना आपकी, मुझे खूबसूरत प्रोडक्ट तो यही लग रही थी, इसके ऊपर ही हम क्लिक करते हैं। इसको लगा के देखते हैं कि हमारे पास कैसी इमेज शो होती है यहाँ पे। तो इसको हमने पिक्चर को लगाया, अब यहाँ पे लोड कर रहा है। सेकंड इमेज आप लगाना चाहते हो, अच्छा यहाँ पे आपने इसका साइज जरूर देख रहा है, कोई भी पिक्चर आपने देखनी है या अगर आप अपनी डिज़ाइन करना चाहते हो। इसको मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से कैनवा को। ठीक है, इसको गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो अपनी किसी भी इमेज को, इमेज बैनर, ठीक है, तो इमेज बैनर को आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। वो कैसे करना है वो अभी ये लॉगिन होता है आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। आपने इमेज बैनर लिखना है कैनवा के ऊपर और फॉर शॉपिफाई, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इसको कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे लोडिंग में थोड़ा सा स्टक हो रहा है ये, तो आपने यहाँ पे बैनर लगाना है। अभी हम इसको चेंज करते हैं, कुछ बड़े साइज़ की इमेज देखते हैं, तो इसको कर लेते हैं, सॉरी इसको कैंसिल, इसको एडिट, इसको करते हैं हम यहाँ पे आई थिंक चेंज करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इमेज नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इमेज के लिए हम यहाँ से कोई भी चीज़ उठा लेंगे या मेरा कोई थंबनेल नेल हम लगा के देख लेते हैं अगर पड़ा हुआ है, बट अभी नहीं पड़ा होगा। हम इसका कोई बड़ा साइज़ हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इमेज बैनर सर्च कर लेते हैं, इमेज बैनर फॉर शॉपिफाई। ठीक है, तो ये शॉपिफाई के ऊपर हम इमेज बैनर, शॉपिफाई के लिए इमेज बैनर सर्च आउट कर लेते हैं। जैसे ये बैनर आ रहा है, इसको ओपन करते हैं, इसको करते हैं सेव। ठीक है, इसको करते हैं सेव इमेज एज, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं इसको। तो ये हमने कर लिया सेव। अब जाते हैं इसके ऊपर, सेलेक्ट इमेज करते हैं, यहाँ पे हमने इमेज बैनर लगाना है, ऐड इमेज, और यहाँ पे हम बैनर हमारा किधर गया, ये बैनर हमारा है। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपलोड होगा, हम इसको सेव कर लें। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपको सिंपल सी बात था, ऑफिस में मैंने पंखा बंद किया हुआ ताकि शोर ना रिकॉर्डिंग के अंदर, और मुझे इस वक्त बहुत पसीना आया हुआ है, और इसके अलावा जो है हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा लैपटॉप, तो उसकी वजह से भी आई थिंक स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज बैनर अपलोड किया है, देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे बैनर शो हो रहा है, बट आपने अपना डिज़ाइन करना है ताकि ये पिक्सल जो है ख़राब शो हो रहे इस तरह मत हमें शो हो। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक। अच्छा ये देखो, ये पहली इमेज आ गई, दूसरी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है रहने दो। ठीक है, ओवरले जो है ओपेसिटी आप इसको इतना ही रहने दो, हाइट इसकी देख लो, साइज़ इसका, तो आप इसको स्मॉल भी कर सकते हो। स्मॉल करते देखो इतना सा रह जाएगा, लॉन्ग करते तो ज़्यादा बड़ा होगा। आपने देखा है मोबाइल फॉर्मेट के ऊपर कैसा लगेगा, मोबाइल के ऊपर ही बेस्ट लग रहा है। ठीक है, आपके सामने ही है कि हम कैसे इसको डिज़ाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन। ठीक है, डेस्कटॉप पे कैसे कंटेंट शो हो, तो यहाँ पे देखो इस तरह लाए, बॉटम कॉर्नर के ऊपर, बॉटम लेफ्ट राइट मिडल, जिस भी आप रखना चाहते हो सकता है, बॉटम सेंटर के अंदर मैंने किया है, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको सेंटर में ही रहने दो। ठीक है, ये देखो सेंटर के अंदर आ रहा है, इसको सेंटर में रहने दो। इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे डेस्कटॉप अलाइनमेंट पोजीशन सेंटर पे रहने दो, क्योंकि आपने सेंटर लगाया, इसकी स्कीम आप चेंज कर सकते हो, थर्ड वाली स्कीम हम लगाते हैं तो बैकग्राउंड वगैरह इसकी चीज़ें ब्लू और व्हाइट के अंदर चली जाएंगी। अभी मैं इसको मिडल के अंदर ही रहने देता हूँ। कलर्स आपने भरने, तस्वीर को मैंने बना देना है, कलर्स के अंदर आपने भरने, ये चीज़ आपने खुद करनी है। ठीक है, इसके अलावा इमेज बिहेवियर इसको नन कर दो, एम्बियंट मोमेंट वगैरह ये चीज़ें आप कर सकते हो, अगर आपको करना चाहो, आपको पसंद आती है तो कर सकते हो, डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट किस बेस पर बनाना है अपना स्टोर या क्या काम अपने उसके ऊपर करना है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल अलाइनमेंट सेंटर ही है, तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर हमें सेंटर पे ही शो हो रहा है और बिल्कुल ऐसे ही शो होगा हमें मोबाइल के ऊपर। ठीक है, स्टैक इमेजेस ऑन मोबाइल इसको कर दोगे तो ये आपकी स्टैक हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो जब इसको हम ऊपर करेंगे तो स्टैक ही रहेंगी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बंद कर दो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा थीम सेटिंग आ जाओ। ठीक है, रिवील सेक्शन ऑफ स्क्रॉल। ठीक है, ये इसको ठीक है, हाँ उसने पहले ही हमें शो करती है तो इसकी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से आ जाते हैं बाहर, फीचर कलेक्शन मेन चीज़, आपने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, कैसे इसकी फीचर कलेक्शन बनानी है, क्या भाई ये देखो अब ये अलग अलग मिक्स आ रही है प्रोडक्ट। ठीक है, ये धर्म के अंदर आ रही है। ठीक है, इसको आप कैसे चेंज करोगे या प्राइस या रुपीज़ कैसे हमने लिखना है वो भी आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है,
आपके पास ऑप्शन होते हैं ऐड सेक्शन पे, पहले आपको क्लिक करता हूँ, आप सेक्शन बता दो क्या होते हैं। फीचर कलेक्शन आप लगा सकते हो, उसके अंदर सारी जो है आप अपनी पूरी लिस्ट शो कर सकते हो। कलेक्शन लिस्ट उसके अंदर सारी इस तरह लिस्टिंग की फॉर्म में आएगा, बल्कि हम इसको डेस्कटॉप व्यू के ऊपर करते ताकि आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, सॉरी ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज विद टेक्स्ट इस तरह का आ जाएगा कि आपने कोई मेन प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है या आपने उसको जरा बड़ा शो करना था तो इमेज आ जाएगी उसकी, आपने जिस तरह लगानी है। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऐड हो गया, यहाँ पे देखना, ये देखो ये ऐड हो गया। फिर ऐड ब्लॉक करते हैं हम, बल्कि इसके बाद ऐड सेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐड सेक्शन के बाद हम कहते हैं फीचर कलेक्शन, तो अभी हम बना रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ये सेटअप आ रहा है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे अभी, नहीं कोई नई ऐड नहीं करेंगे। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से करना है, ठीक है, प्रोडक्ट फीचर को, फीचर प्रोडक्ट होती है जिसके ऊपर हमने समय ज़्यादा मेहनत की होती है प्रोडक्ट के ऊपर, तो इस तरह भी आप इसको शो करा सकते हो। फीचर प्रोडक्ट को भी हम ओपन कर लेते हैं कि कैसे आएगा, उसके बाद ऐड सेक्शन दोबारा कर लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे सेक्शन है किस तरीके से आप दिखा सकते हो अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है, मिडल सेंटर के अंदर। अब इसको करते हैं बंद। अब समय पहले आ जाओ, हमने अपनी प्रोडक्ट लगानी है यहाँ पे, ठीक है, फीचर कलेक्शन बनानी है। फीचर कलेक्शन पे क्लिक किया, फीचर कलेक्शन में फीचर प्रोडक्ट्स लिखा आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, कुछ भी ना लिखो बेहतर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, कैटलॉग लिख दो या ऑल प्रोडक्ट्स लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। हेडिंग साइज स्मॉल है या यहाँ पे लिख दो होम एंड किचन। ठीक है, होम एंड किचन की मैं पहले प्रोडक्ट्स लगाना चाहता हूँ, तो होम एंड किचन, KITCH किचन, होम एंड किचन। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आप कहते हो यार इसमें तो सारी प्रोडक्ट्स आ रही है होम एंड किचन के अलावा भी, अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर नीचे आ रहा है चेंज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो, चेंज कलेक्शन, इसके ऊपर होम की कलेक्शन लगी होगी। ठीक है, कोई भी नहीं लगी हुई, इसलिए सारी मिक्स आ रहा है। होम एंड किचन पर क्लिक करती है, सेलेक्ट करूँ, चेक करो, आपके पास होम एंड किचन के अंदर हमने इसकी कैटेगरी में ऐड किया था पिछले लेक्चर के अंदर, सिर्फ वही दो प्रोडक्ट्स आएंगी, तीसरी नहीं आएगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टू शो 8 कर देते हैं हम, इसको करते हैं 4, 4 से ऊपर ना शो करें, जब उसने देखनी तो ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देते हो, ऑटोमेटिकली ऑल प्रोडक्ट्स खुल जाए। ठीक है, इसके ऊपर भी, डेस्कटॉप के ऊपर भी नंबर 4 ही ज़्यादा बेहतर रहता है, प्रोडक्ट वाजे ओपन होती है। इसके अलावा एंड ठीक है, क्रूजल ऑन डेस्कटॉप, इसको भी रहने दो। कलर स्कीम अगर छेड़ना चाहो तो ये देखो, ये ब्लू एंड व्हाइट में कर देते, तो इस तरह की शो होगी, आपकी मर्जी है। मैंने कितनी दफ़ा कहा है, आपकी अपनी मर्जी है, आपने किस तरह इसको शो कराना है, इस तरह कराना है या इस तरह कराना है, ये जिस तरीके भी आपने कराना है उस तरह करा सकते हो। इसके बाद मैंने कर दिया इमेज रेशो एस्पेक्ट टू इमेज, जितनी इमेज का साइज है वैसे, वरना स्क्वेयर कर दो तो सारी स्क्वेयर हो जाएगी, देखो बराबर होगी, कट्स उसके बराबर होगी, प्रोफेशनली लगता है इस तरह स्टोर। ठीक है, इमेज शेप आप कर सकते हो, डिफॉल्ट है आर्च, ब्लॉक कर देते, ये देखो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको डिफॉल्ट रहने दो, ज़्यादा बेहतर रहता है, स्क्वायर में अच्छा लगता है। अब चेंज करना चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, शो सेकंड इमेज ऑन होवर, ठीक है, तो इसको भी लगे रहने दो। ठीक है, शो होवर वेंडर, वेंडर आपका यहाँ पे नाम लिखाएगा, ये देखो ये आ गया ब्लैक बोर्ड का अपना नाम, अगर आप अपने नाम से लगाना चाहते हो तो नीचे नाम भी आपका लिखा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। शो प्रोडक्ट रेटिंग, अगर आपके पास रेटिंग, आपने फेक आपने रेटिंग अटैच की हुई अपने अकाउंट के साथ, जिस तरह हमने पहले लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारी ऐप्स कनेक्ट की थी उसके थ्रू, तो इसी तरह काफ़ी गूगल के ऊपर ऐप पड़ी हुई है जिसके थ्रू आप जो है फेक रिव्यूज़ वाली आप अटैच कर सकते हो ऐप, और सिर्फ एक रिव्यू ले सकते हो, लेना चाहो तो ले सकते हो, अटैच करोगे तो यहाँ पे रिव्यूज आ जाएंगे। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है वैसे कोई कैड, इसको ऑफ रहने दो। इसके अलावा कॉलम्स ऑन मोबाइल, ठीक है, अगर मोबाइल व्यू के ऊपर देखोगे, अभी ये दो शो हो रही है, यहाँ दो और हो जाएंगी डेस्कटॉप व्यू के ऊपर, मगर मोबाइल के ऊपर करोगे तो दो यहाँ और दो इसके नीचे आएंगी, कैसे ये देखना, दो ठीक है, इसके नीचे दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने कितना सेलेक्ट किया हुआ है, दो कॉलम, ठीक है, तो दो कॉलम ही काफ़ी है कि मोबाइल के ऊपर, अभी ये देखो फर्ज कर लो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स और होती तो ये मोबाइल के ऊपर दो और दो यहाँ पे दो कॉलम्स आ रही होती, आप रखना चाहो तो एक कॉलम भी रख सकते हो, तो सिर्फ सिंगल कॉलम के अंदर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। अब ये देखो पैडिंग की जरूरत नहीं है, थीम सेटिंग ठीक है वो हमने देख ली, उसके अलावा स्टैंडर्ड है कार्ड के स्टाइल में देख लेते हैं, कार्ड इसको कर लेते हैं कि कार्ड में हमें कैसा मिलेगा यहाँ पर रिस्पॉन्स। ठीक है, आई एम सॉरी, अगेन कॉल आ रही है, मुझे कॉल पिक करनी पड़ेगी, इसको करते बंद, इसको करते हैं, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉल आ गई थी एक। अच्छा, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, मैं यार देखो स्टेप्स काफ़ी तेज़ी से कर रहा हूँ, आई नो, अगर आपको थोड़ा सा स्पीड लग रही है आप वीडियो को स्लो कर सकते हो या वीडियो पॉज करके आप अपने सारे स्टेप्स पूरे कर सकते हो। ठीक है, पैडिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर इसको मैं कर देता हूँ इसके ऊपर, देखो 1600 के ऊपर कर देता हूँ, देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये पैडिंग आ गई वाइट कलर में। ठीक है, आप इसको ना ही करो, ज़्यादा बेहतर, इसको आप जो है 1200 पे रहने दो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा स्कीम आपके ऊपर है, ये देखो ये किस तरह आ रही है प्रोडक्ट, इसके ऊपर कर्सल जाएगा तो ये कैसे चेंज कर रहा है पिक्चर, तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। कार्ड के स्टाइल है या फिर आप स्टैंडर्ड रहने तो ये स्टैंडर्ड स्टाइल के अंदर आ जाएगा, अभी देखना। ठीक है, हम देख ले, हमारी वीडियो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है, बाकी आप इसको यहाँ से जब करोगे अपने स्टैंडर्ड स्टाइल पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखो कार्ड स्टाइल से हट गया, इस स्टाइल में आ रहा है, ये ज़्यादा बेहतर लगता है, आपकी मर्जी है, हर चीज़ में मर्जी है आपकी, अपने कैसे डिज़ाइन करना है, इसको करते हैं सेव। ठीक है, अब आ जाओ, एक और फीचर कलेक्शन हमने ऐड करनी है, भाई हमने होम एंड किचन की तो ऐड कर ली, अब हमने जो है टेक गैजेट्स की एक ऐड करनी है, तो यहीं पर इसके नीचे ऐड ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे करो ऐड सेक्शन। ठीक है, सेक्शन फीचर कलेक्शन,
हमने इसको करना है ऐड, ठीक है। अब ये फीचर कलेक्शन तो नीचे आ रही है, यहाँ पे बैक आओ, ये देखो इससे नीचे आ रही है, हम इसको उठाते हैं, यहाँ से उठाया हमने और ये ले गए ऊपर फीचर कलेक्शन के नीचे। दूसरी कलेक्शन हमारी ये होगी, पहली हमारी होम एंड किचन की आ गई ये वाली, ठीक है ये वाली, और दूसरी हमारी दूसरी आ जाएगी जो हमारी टेक गैजेट्स के हमने बनाई थी। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर करते हैं टेक गैजेट्स, ठीक है टेक गैजेट्स के नाम से आ गई। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो जी विजिट ऑल प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है। इसको करते हैं हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहने दो। बॉडी सिलेक्ट कलेक्शन, कलेक्शन सिलेक्ट, हमेशा आपने याद रखना है कि आपने कलेक्शन सही लगानी, सिलेक्ट कर दिया मेरी वो कलेक्शन आ गई, मैंने जस्ट एक प्रोडक्ट इसमें ऐड की थी तो इसलिए एक ही आ रही है। नीचे आ जाओ, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पे वेंडर का नाम हमें चाहिए तो वेंडर का नाम हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे वेंडर का नाम किधर गया, शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन विद एडमिन, इसकी ज़रूरत नहीं है। इनेबल एनेबल यहाँ पे वेंडर ये आ गया, वेंडर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको भी हम ऑन करना चाहें शो सेकंड होवर तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। बाकी चीज़ें आप वैसी की वैसी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको टू कॉलम पे जैसे आपका दिल करे, इसको फिर करते सेव। अब हमारी दो कलेक्शन यहाँ पे लग गई, आप देख सकते हो यहाँ पे। जब अभी ये हम रेडी करेंगे इसको फिर चेकआउट करेंगे कैसा हमारा स्टोर बन रहा है, कैसा हमें शो हो रहा है। इसके अलावा अब आ जाओ जी, अब फर्ज कर लो इन्हीं प्रोडक्ट्स में से किसी एक को हमने इमेज विद टेक्स्ट डालना है, इस पर क्लिक कर दो। सिलेक्ट इमेज कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है जी, मुझे यही प्रोडक्ट पसंद आ रही है या इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर अच्छी लगेगी, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। देखना यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी ये वाली, ये आ गई हमारे पास पिक्चर इमेज विद टेक्स्ट। यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो, इसकी हाइट देख सकते हो, बट मैं इसको स्मॉल कर देते हैं हाइट हम, ताकि सेक्शन थोड़ा सा और छोटा हो जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे छोटा हो गया, बट इसको अभी रहने दो, अडॉप्टेड इमेज जितनी इमेज है उतना साइज ही रहने दो, वरना आप क्रॉप करके इसको सेट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसको अलावा हम मोबाइल पर भी देखते हैं, साथ साथ मोबाइल पर देखते रहना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये आ गई हमारी पहली मेन पेज, ये हमारा बैनर आ गया, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना इसके अलावा भी काम चल जाता है। अच्छा, यहाँ पर पहली कलेक्शन, दूसरी कलेक्शन और ये तीसरी। अब ये सिंगल कॉलम इसलिए क्योंकि सिंगल कलेक्शन लगी हुई है, सिंगल आइटम लगा, दो तीन आइटम लगाओगे तो चार का कॉलम भी आ जाएगा, दो भी आ जाएंगे, जैसा जैसा यहाँ पे हमने लगाया। आपने सेटिंग देखी है पिछली, तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में रखा है, इसको व्हाइट में रखा है, इसको फिर से मैं व्हाइट में रख रहा हूँ, आपकी मर्जी, कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इमेज में टेक्स्ट पूछ रहा है, अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट लगाना है इसके ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करो इमेज विद टेक्स्ट, इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर जाकर हमने यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। एयरपोर्ट्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स 3, ठीक है, या थर्ड जनरेशन कुछ भी आप लिख सकते हो, एयरपोर्ट्स 3 लिख दिया। अब यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन भी जो आपने लिखानी है, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लंबी देने का फायदा नहीं, छोटी आप डिस्क्रिप्शन तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कि भाई ये इस तरह की प्रोडक्ट है, उस तरह की प्रोडक्ट है, कुछ भी दे सकते हो। अभी ये यहाँ पे लगी हुई है, ये लगी रहा है, ठीक है, या यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स प्रो 3 बेस्ट ऑडियो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे बेस्ट ऑडियो एयरबड्स, ठीक है, एवर, तो ये आप यहाँ पे एक दो लाइन्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहीं पे प्राइस शो कर दूँ, तो यहाँ पे इसको स्पेस देके पहली लाइन में आप हमेशा लिख दो AED, ठीक है, जो इसकी प्राइस होगी, वो प्राइस होगी जैसे हमने इसको लगाया था 95 दर्हम्स के अंदर, ठीक है, 95 AED जो भी है, तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब बटन लेबल की बारी आ गई, जो बटन लेबल है वो कैसा होता है। अब समय पहले आपने बटन लेबल के ऊपर पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ताकि कस्टमर बटन लेबल के ऊपर, पहले बटन लेबल का नाम चेंज करो, शॉप नाउ या बाय नाउ रख लो, ठीक है, शॉप नाउ, ये समय बेस्ट है, ओके। यहाँ पे शॉप ना हो या बाय ना हो, ऑर्डर ना हो, कुछ भी आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर दो तो बटन उसी कलर का आपका आएगा। इसके अलावा यहाँ पे अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे बटन लिंक के ऊपर कभी आपने कलेक्शन नहीं सेलेक्ट करनी, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी जो हमने यहाँ पे लगाई है, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है कौन सी है, इसमें हमारी ये एयरबड्स वाली इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब इसको करते सेव, ये हमारी होगी कलेक्शन लिस्ट, सॉरी हमारी ये जो है सेव हो गया पॉइंट, इसको हम करते बैक। अभी शॉप ना हो रहा है, अब इसके कलर कैसे चेंज करना है वो भी आपको बताता हूँ बाद में, कि आपने कलर कैसे चेंज करनी है। इमेज विद टेक्स्ट आ गया, कस्टमर आएगा, उसने आप डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, प्रोडक्ट का नेम पढ़ना है, ये छोटा सा लगाया, आप अपनी मर्जी से सेट करके इसको लगा सकते हो। शॉप नाउ पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की ओपन ऑल इमेजेस खुल जाएंगी, पूरी लिस्टिंग खुल जाएगी जो हमने बनाई थी। इसके अलावा यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट, अब फीचर आ गई कि भाई हमने इसको फीचर किया हुआ है, ये लगाना चाहो तो, ये मोस्टली आपके ब्रांड्स के लिए यूज होती है, जो आप लोग अगर ब्रांड लॉन्च करते हो तब, ठीक है। इसके ऊपर भी यही प्रोसीजर है, प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इसके ऊपर है प्रोडक्ट इस तरीके से सिलेक्ट होनी, ठीक है, सर्च करोगे इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट होगी, प्रोडक्ट आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएगी जी स्कीम, स्कीम आप डिसाइड कर लो, मैं वही ब्लू एंड व्हाइट कर लेता हूँ, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट ये वाली कर लेते हैं, डार्क डीप ब्लू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसका साइज वगैरह चेक कर सकते हो, रेशो मीडिया फिट इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ें लिखी हैं वो पूरी बराबर आ रही हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करते जाओ, ये आपका वेंडर का नाम आ गया, ठीक है। LED डिस्प्ले एयरबड्स उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, प्राइस उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दी, क्वांटिटी उसने बता दी कि आप जितने सेलेक्ट कर सकते हो कितनी कर सकते हो,
तो ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है और इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक चेकआउट बटन से हमारे ऐड टू कार्ट का आ गया और दूसरा जो भी आना होगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, इसको आप हटाना चाहो तो इसको हटा दो, व्यू फुल डिटेल इसको रहने दो, ठीक है। ये फुल डिटेल आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे एक को हटा देते हैं ताकि सिर्फ ऐड टू कार्ट ही रह जाए, बाय नाउ ऑटोमेटिकली वो लगा देगा इसको। कंट्रोल जी करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हमें ऐड टू कार्ट चाहिए था, ठीक है। अब ये आ गया, फुल डिटेल पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट खुल जाएगी, या अगर प्रोडक्ट के ऊपर भी क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट जूम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेनी है आपने इसके कैसे इसको सेट करना है, ठीक है। इसको भी कर देते सेव, अभी मैं जस्ट कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए, एक व्यू के लिए, आपको समझाने के लिए कि कौन सा फीचर फ्री थीम के ऊपर कैसे काम करेगा। हर थीम डिफरेंट स्टाइल की होती है बट उसको समझना आपने खुद है। ये देखो, ये स्टोर आ गया हमारा, यह आ गया हमारा मेन पेज, ये कलेक्शंस आ गई, फिर एक हमारी फीचर प्रोडक्ट आ गई, फिर फीचर एक लिस्ट आ गई, जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आ गई, ठीक है। तो ये आ गई, अब हम आ जाते हैं आपके फुटर मेन्यू के अंदर। ये है फुटर, ठीक है, जहाँ पे अपने फुटर की चीज़ें इंक्लूड करनी है। यहाँ पे आप आ जाओ एड स्कीम, इसको ब्लैक एंड वाइट वही बात है, कलर्स अपनी मर्जी से। ईमेल साइनअप आपने शो करना, तो इस तरह का बॉक्स आएगा, कस्टमर अपनी ईमेल रख के आपको सेंड करेगा, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लिखाएगा कि जी थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ठीक है, उसको ईमेल रिसीव हो जाएगी या उसको मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब टू अवर ईमेल्स, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आप लिख सकते हो। इसके अलावा इनेबल फॉलो ऑन शॉप, ठीक है, वो आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सब में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नीचे एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पावर्ड बाय Shopify। अगर कस्टमर को शक हो जाता है ना यार Shopify की वेबसाइट है तो इसका मतलब लोकल ब्रांड लग रहा होगा, उसको कस्टमर शक में आ जाएगा। ये भी बताऊंगा आपने कैसे इसको रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ थीम सेटिंग के अंदर, अब ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थीम सेटिंग के अंदर सेल बैच वगैरह ये आ रही है चीज़ें, अगर आपने यहाँ पे फुटर के अंदर लगाना चाहते हो अगर कोई अपनी चीज़ तो इमेज वगैरह, तो यहाँ पे फुटर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये देखो ये कह रहा है कि आपने क्या लगाना है, इमेज लगानी है, तो इमेज मैं अपने ब्रांड की लगा लेता हूँ यहाँ पे एंड में भी, तो ब्रांड की इमेज आ गई। हेडलाइन डालना चाहूँ हेडलाइन डाल सकता हूँ, ठीक है, फॉलो या थैंक्स फॉर, सॉरी आई थिंक इधर गया, यहाँ पे हमने क्लिक किया किधर चला गया, ये रहा ऑप्शन क्यों गायब हो गया, यहाँ पे हम उसके ऊपर चीज एंटर कर सकते थे यार, हेडिंग के ऊपर पिक्चर भी नहीं लग रही हमारी, ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं, चेंज रिमूव इमेज, यहाँ पे हम डाल देते हैं इमेज दोबारा, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज ऐड करके, खैर यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ये जो सेक्शन आ रहा है थैंक्स फॉर शॉपिंग, ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे आई थिंक वो क्यों नहीं दे रहा, आई थिंक नेटवर्क इशू है, तो यहाँ पे आप थैंक्स फॉर शॉपिंग लिख सकते हो और थोड़ी डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे डाल के लिख के इसको सेव कर दो। अभी हम सेव करके देख लेते हैं, मे बी कोई नेटवर्क एरर की वजह से ये सही तरह चेंजेस सेव नहीं कर रहा, तो जैसे ही हमारा नेट सही होगा तो वो कर लेगा। पर मैं आपको प्रोसीजर बता दी कि आपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। अब आ जाओ बैक, अब हम जरा वेबसाइट को चेक करते हैं कैसे। अच्छा, इससे पहले कलर्स का बता दूँ, सेटिंग में आ जाओ, अब कलर इसके ऊपर लोगों के ऊपर आ जाओ, यहाँ से भी कर सकते हो। इसकी सेटिंग अब हमने चेक करनी है कि जी हमने इसको यहाँ पे थीम सेट इसको करते हैं बैक, ठीक है, एग्जिट करते हैं यहाँ से, फिर आपको दोबारा से बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ जी, एडिट कोड, एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट, ये इसके ऊपर आ जाओ। आपके कई दफ़ा ऐड टू कार्ट पेज सही नहीं वर्क कर रहा होता है या कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसके अंदर शो करने के लिए, वो आप दे सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको, जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी आपको बताता हूँ यहाँ पे देख के कि कैसे होगा, ठीक है। ये आपका सारे ब्लॉग पोस्ट वगैरह ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो ऐड टू कार्ट जैसे हम सर्च कर लेते हैं ऐड टू कार्ट, तो यहाँ पे आई थिंक आ जाना चाहिए अभी, या कार्ट ही सर्च कर लेते हैं, कार्ट या चेकआउट के नाम से ये कार्ट आ रहा था, ठीक है, ये कार्ट आ रहा है। ये कार्ट के अंदर आप अपने बैक टू कार्ट या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे चेकआउट पेज है, ठीक है, चेकआउट पेज, तो हम चेकआउट सर्च करते हैं। यहाँ पे चेकआउट का हमें क्या दे रहा है, ये देखो चेकआउट पेज, तो पेज टाइटल चेकआउट होगा। यहाँ पे चीज़ें अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कब से चीज़ें आ रही हैं, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे मेन पे ही आपको एक ऑप्शन आता है, थोड़ा बहुत आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी जनरल के अंदर आके। यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं, अगर वो डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली पेज के फुटर के अंदर आपके पास, वेबसाइट के फुटर के अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। भाई यहाँ पे हमें फेसबुक पे फॉलो कर लें, यहाँ पे इस चीज़ पे फॉलो कर लें, वो भी आप करा सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लोग आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सेक्शंस चेकआउट एंड सिस्टम, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चेकआउट मैनेजमेंट, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कंफर्म एड्रेस डिलीशन, या आपको ये बाद में बताऊंगा कि आपने इसको कैसे सेटअप करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन चेंज कर दिए। अच्छा, बैक आ जाते हैं, दोबारा कस्टमाइज पे जाते हैं। आपको कलर्स का मैं बता रहा था कि कलर्स आपके कैसे सेट कर सकते हो, हर बटन के, हर चीज़ के सेटिंग में किया गया कलर्स।
अब ये कलर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। अब वो पूछ रहा है जी आपने किसके चेंज करना है जी, लेआउट पूरा चेंज करना है तो उसके ऊपर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास चीज़ें आ जाएंगी कि किस तरह के बटन्स आपने चेंज करने हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो पेड थीम्स है वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड्स आ जाएंगे, ये आप सारी सेटिंग्स इसके यहाँ पे देख सकते हो। ये इसकी जो है कलर्स के अंदर आपने आना है, यहाँ पे कलर्स के अंदर, ठीक है। ये स्कीम्स आपको दे रहा है, ऐड स्कीम आप करना चाहो तो हर चीज़ पे आप ऐड कर सकते हो कलर्स। यहाँ पे टेक्स्ट आपका किस तरह होना चाहिए हर स्कीम के हिसाब से अलग है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्कीम ये ऐड है तो आप कोई भी स्कीम ऐड करके उसके ऊपर कलर्स लगा सकते हो। फिलहाल ये पेड थीम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन कलर्स के भी नहीं दे रहा। आपने फिर भी कोशिश ये करनी है कि आपने अच्छी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई थीम चाहिए भी है ऑलरेडी मेरे पास अगर पड़ी भी है, अगर किसी को चाहिए तो $10 प्राइस आपको थीम मिल जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने कोई जिद बहस नहीं करनी क्योंकि थीम जाहिर सी बात है हमारी पेड थीम है, परचेज थीम जिसके ऊपर मेरा अपना भी पेज था, ठीक है। इसको कर देते हैं लीव, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गई है, हम इसको जरा चेकआउट करते हैं कि हमारे पास कैसे प्रीव्यू लेते हैं। यहाँ पर रिव्यू आपने लेना है। अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने क्या बनाया है, कैसा शो हो रहा है, चेकआउट पेज कैसे आ रहा है। इसके अलावा सेटिंग के अंदर चेकआउट का पेज है, वहाँ से भी हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये देखो ये आपके पास आ गया इस तरह के व्यू में। अब ये पिक्चर वगैरह के कलर्स नहीं आ रहे सही क्योंकि हमने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा कैटलॉग के अंदर जाएगा कोई, अगर फर्स्ट कर लो होम का पेज है कैटलॉग के अंदर जाता है। अच्छा कॉन्टैक्ट के अंदर जहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में आई थिंक बताया था कि जो आपने ब्लॉग सेलेक्ट करने हैं वहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट के अंदर चेंजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे कैटलॉग्स आ गए आपके, ठीक है। ये मेन प्रोडक्ट्स दिखा रहा है यहाँ पे, अभी आई थिंक कोई ना कोई कैटेगरी सही नहीं लगी हुई इस वजह से यहाँ पे ये सारी इस तरह दिखा रहा है। वरना कैटलॉग के अंदर होता तो होम एंड किचन की कैटलॉग बना देता और ये टेक गैजेट्स की बना देता, तो आई थिंक वो नहीं बना हुआ इस वजह से नहीं आ रहा यहाँ पे। तो खैर अभी यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे ये हमारी प्रोडक्ट आ गई, ये हमारी मेन दो कलेक्शन आ गई थी ऊपर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये आ गया एयरपोर्ट 3, फर्स्ट कर लो कस्टमर आता है उसको शॉप नाउ पे क्लिक करता है। ये देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ड आ रहा है, दूसरा बाय नाउ का बटन आएगा, बाय इट नाउ ऑटोमेटिकली उसे सेट कर दिया। ये इसकी ईबीसी वाली पिक्चर्स आ गई लॉन्ग डिटेल वाली। अब यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही भी, आई थिंक लोड कर रहा है। तो खैर ये भी यहाँ पे, बल्कि डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगी जैसे मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी मैंने क्या बताया था, तस्वीर जूम कर देगा, बाय इट नाउ पे जाते हैं देखते हैं क्या कहता है हमें। तो अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि ये स्टोर अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा, जो मैंने आपको दिखाया ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ से आपको जैसे ही आप कोई भी चीज़ क्लिक करोगे तो वो पासवर्ड प्रोटेक्ट का इशू देगा या आपको जो है बताएगा कि आपने स्टोर का चेकआउट पेज सेट नहीं किया हुआ। तो ये देखो चेकआउट पेज के ऊपर आपने कार्ड के ऊपर भी क्लिक करोगे तो वो नहीं दिखाएगा यहाँ पे, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, आपने चेकआउट कैसे सेलेक्ट करना है, सेटिंग पे आना है, यहाँ पे चेकआउट आ रहा है, ये रखो ये चेकआउट आ रहा है यहाँ पे, ये तभी आपका ओपन होगा आई थिंक जब आपने इनको पे करना है क्योंकि इनकी सर्विसेज चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रखो चेकआउट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये कस्टमर को ऑर्डर दिखा रहा होगा, जैसे वो चेकआउट पर क्लिक करेगा अब वहाँ पर जाकर हम सेटिंग कर लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं कि हमने कैसे इसको दिखाना है कस्टमर को। देखो यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेट नहीं हुआ हुआ, तो इसको करते हैं बंद। अब चेकआउट पेज के ऊपर आपने क्या रखना है, मेरी चीज़ें मानोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फ़ोन और ईमेल, कस्टमर से फ़ोन या ईमेल ले लो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप उससे जो है फुल नेम उसका पूछ लो, ठीक है। ओनली रिक्वायर्ड द लास्ट नेम, नहीं रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों, ठीक है। कंपनी डिटेल नॉट इंक्लूडेड, एड्रेस ऑप्शनल दे दो, ठीक है। एड्रेस लाइन 2, ठीक है, या आप ऑप्शनल रख दो क्योंकि 1 तो आपके पास ऑलरेडी वो शो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ऑप्शनल लिख दो। इसके बाद शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर डोंट इंक्लूड, तो इसको आप करो रिक्वायर्ड, शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर आपको चाहिए चाहिए सॉरी। तो इसके अलावा यहाँ पर मार्केटिंग ऑप्शन ईमेल के थ्रू आपने उसको कर देना, उसको मैसेज चला जाएगा कि थैंक्स फॉर शॉपिंग ऑन दिस स्टोर, तो जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आ जाओ एड्रेस, इसको कर दो यूज़ शिपिंग एड्रेस एज बिलिंग एड्रेस, इसको एज बाय डिफॉल्ट इसको बंद कर दो, ठीक है। यूज़ एड्रेस अकोमोडेशन इसको, चाहे ऑनलाइन ऑफर एड्रेस इसको भी बंद कर दो, ठीक है। इसके अलावा वैलिडेट शिपिंग एड्रेसेस, तो मिनिमाइज फेल डिलीवरीज, ठीक है, इसको ऑन रहने दो। इसके अलावा आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड तो डोंट फेल एनी ऑफर ऑर्डर, इसको इस डोंट फुलफिल भी रहने दो क्योंकि आप खुद फुलफिल करोगे जो आपकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपने खुद ही उसको टिक मार्क कर लेना, ठीक है। वो कैसे करना है, ऑर्डर्स के ऊपर जाके करना है आपने। आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल एंड पेड व्हेन विल रिफंड ऑटोमेटिकली ऑर्डर, नहीं आर्काइव नहीं डालना आपने, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा क्या रहा है, ऑर्डर स्टेटस पेज पिक्सल्स, ठीक है, तो पिक्सल आर नॉट अवेलेबल फॉर रिकमेंडेड। अच्छा अगर आपने अगर कोई अपना बनाया हुआ है कोडिंग के थ्रू तो आप उसको भी अटैच कर सकते हो यहाँ पे चेकआउट पेज को, तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट डाल दोगे तो उस तरह का आपका चेकआउट पेज बन जाएगा। इसके अलावा रूल्स हैं, इसको कर दो सेव, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया सेव। अब आपका चेकआउट पेज रेडी हो जाएगा, बट वो ओपन तभी होगा जब आप इसको वेबसाइट को पे करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ तक हमारी जो है स्टोर कस्टमाइजेशन वगैरह ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, चाहे अपने मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं या आप लोग को भी जो फ्री में देख रहे हैं उनको, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। मैं सिर्फ आपको पाथ दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा कि आपने कैसे काम करना है, कैसे नहीं, उसको प्रोफेशनल वे में आपने लेके जाना है और फिर मुझे दिखाना है, मुझे बहुत खुशी भी होगी और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे अभी तक हमारा कस्टमाइजेशन तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बात करेंगे उसके ऊपर होगा हमारा स्टोर रिसर्चिंग के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। तो हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, किस टाइप की प्रोडक्ट पर बैठना है। अभी तो हमने जनरल प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ से उठा के लगा दी, मे भी वो हमारा लास्ट लेक्चर हो, फिर ऐड कैसे चलानी है उसकी एक आपको कंपेन का तरीका बता दूंगा, कैसे चलाना है बताऊंगा, सिर्फ करके नहीं दिखाऊंगा, मे भी आपको थोड़ा बहुत बता भी तो करके भी, बट आपने चलाना खुद है और आपने खुद ही रन करना है, आपकी मर्जी आप किसको फॉलो करते हो। अगर आप पर्सनल में मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो मेंटोरशिप एज अ मेंटोरशिप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चलाना है चीज़ को। हर कैटेगरी के ऊपर हर तरह से ऐड अलग अलग तरीके से चलती है, तो आपने देख लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, कोई भी आपको अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बेल का आइकन आपने जरूर दबाना है। और आपको वीडियोज वाकई इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट जरूर छोड़ना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।